हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग हो गई यहाँ पे और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। उठते ही मैं जैकेट पहन के बाहर आई हूँ। वैसे तो धूप निकल रही है और बाकी देखते हैं मौसम दिन में कैसा रहेगा। तो सुबह हो गई गाइस और हम सब लोग उठ गए हैं, फटाफट से रेडी होने जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में और कंटिन्यू पूरा ब्लॉग देखिए इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। तो गाइस अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब धूप निकल रही है, तो हम चलते हैं रेडी होने और आपको मिलेंगे रेडी होने के बाद। तो हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए यहाँ से और हम लोग आज सेकंड डे हमारा। बैग कहाँ पे रखे हुए? बैग सारे ये सब हमारे रेडी हो गए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? टेरी टाइम में। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना ब्लॉग आपके साथ में, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। सो निकलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम जो कि हम लोगों ने नहीं किया था वो करना तो बहुत ही ज़रूरी था। तो आप आई थिंक समझ ही गए होंगे कि वो काम क्या है, और वो काम है फ़ोटोज़। सो हम सभी अभी बारी बारी से अपने फ़ोटोज़ ले रहे थे और उसके बाद देखो उधर थोड़ा तैयार भी हुआ जा रहा है और यहाँ साइड में मैंने सोचा कि ठीक है चलो थोड़े बहुत फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और फ़ोटोज़ लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से अपना सारा सामान ले कर और निकल गए थे। पहुंचने ही वाले हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी स्टार्ट हो ही चुका है टिहरी डैम और ये बहुत ही प्यारा व्यूज़ है यार, देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब अभी तो काफ़ी दूर हैं हम, बट दूर से ही सिर्फ देख के ऐसा लग रहा है यार कि कब इसके पास पहुंचेंगे। वाह यार, सच में ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोग प्लीज़ इस जगह पर विजिट कीजिए, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस लोकेशन को देखने में। और वाह यार गाइस, पानी का कलर आप देख सकते हो एकदम ग्रीन हो रहा है, एकदम क्लियर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी इसकी साइड में और देखते हैं कि एक्चुअल में इसका व्यू कैसा है पास से। सो अब हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा वेट और उसके बाद फाइनली हम होंगे टेरी डैम में। लेक व्यू, बोटिंग, वॉटर स्पोर्ट, यार ये नीचे होगा सर, नीचे हो जाएगा सर, नीचे हो गया।
को लोग होंगे। क्या गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। और ये पूरी टीम साइड में खड़ी है। अरे यहाँ पहुँच के हम गलत आ गए हैं, डैम पे जाना था बट झील पे आ चुके हैं। अब पता कर रहे हैं कि फाइनली हमें जाना कहाँ पर है। हमारे साथ कन्वर्सेशन चल रही है, एक्चुअली हमारे साथ गलतियाँ कुछ ज्यादा ही हो रही है। कल भी हम गलत रूट पे चले गए थे, पर कोई नहीं, बट माता जी के दर्शन हुए थे, है ना, लंबे रूट से हुए थे। एंड आज भी हम जा डैम रहे थे एंड आप पता नहीं कहाँ गए, तो ठीक है कोई नहीं, यही पे मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर आपको शेयर करते हैं। ये देखो सब चले गए, चले जाओगे साहिल, पलट भी जाती है। चलो ओ भाई साहब का तो घुमा रहा, देखो ये पलटने को बोल रहे तो कहाँ पलट रही है, एक भी नहीं पलटी। अरे मतलब हाथ छोड़ जाते वो देख एकदम से ले जा रहा हूँ। तो गाइस अब हम सब लोग जा रहे हैं नीचे वाटर स्पोर्ट के लिए और देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या करने वाला है। तो ये रास्ता बहुत ही खराब है, मैं लुढ़क गया तो भाई देखो मुझे पैर ना टेढ़ा रखना चाहिए। हाँ वही उठी ड्राइविंग करने का, बहुत ही गंदा सा रास्ता है और वो वाटर स्पोर्टिंग हो रही नीचे और हम लोग सब जा रहे हैं। रास्ते बहुत ही ज्यादा खराब है यहाँ के जाने के, रास्ता बहुत तो, अच्छा है लेकिन हम ट्रैकिंग करते हुए हाँ एक्चुअली हमें ट्रैकिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है क्योंकि हमने कल भी बहुत ज्यादा ट्रैकिंग की है तो हम आज भी थोड़ा स्टार्ट कर ही दिए बस हमने। हाँ भाई पहुंच गए क्या, आओ बंदा बैठेगा वो उतार देगा जूते वहाँ पर और वो बोर्ड के तो ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है स्पोर्ट के लिए कि कौन क्या क्या करने वाला है। तो हमारा डिसाइड हो गया कि हम लोग पैरासिलिंग करने वाले हैं और अभी सब लोग जाने वाले साथ में, तो दिखाते हैं आपको कैसे करने वाले हैं। आओ ना इधर आओ ना, दिल दिया है, दिल दिल मिला। और ये हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं इस स्पोर्ट्स को करने के लिए क्योंकि पूरी टीम बहुत इंजॉय कर रही है। आप देख सकते हैं कि सभी कितनी मस्ती से सब लोग मतलब एक साथ जा रहे हैं और मुझे जाना था आगे क्योंकि मुझे इस ब्लॉग को शूट करना था, तो मैं जल्दी जल्दी से भाग के आगे जा रही थी गाइस ताकि मैं सबको दिखा सकूँ इस वीडियो शूट में। सो मैं पहुँच गई हूँ आगे और ये सब लोग अभी पीछे हैं, तो हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने स्पोर्ट्स की और देखते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। हेलो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, नाम क्या है, मयंक है, चल ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। और फाइनली स्टार्ट हो चुकी है हमारी टीम की ये
जो पैरस में की एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि हमारी टीम ने ऑलरेडी एक एक करके जाना स्टार्ट कर दिया है इस एक्टिविटी को करने के लिए। और मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कि लास्ट में या फिर कुछ लोगों थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए देखने के बाद। चल रही है और अभी जाने वाले राणा गोप्रो लेके और ये बैठे हैं लाइन में, तो इनके बाद जाने वाली हूँ मैं। और ये सारे एक्सपीरियंस लोग जो कि करके आ चुके हैं पैराग्लाइडिंग, और कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? और अभी मैं नहीं रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अभी कैसा होने वाला है, तो कैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, और वो है जेट स्की राइड। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है वो भी हम आपको कंटिन्यू शो करेंगे इस ब्लॉग में गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। अरे चलो स्टार्ट करते हैं। डिपेंड करता है, आप बोल देना कि भैया मैं ट्राई करूंगा। नो सर, नहीं देखिए।
ये स्टॉप क्यों कर दिया उन्होंने? अरे ये नहीं है, ये कोई और है। राणा ही है, राणा ही है, राणा ही है। बुलाओ बुलाओ। अच्छा लग रहा है। तो गाइस सरफेसिंग करके आई, अभी बहुत मजा आया और फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा तीनों एक्टिविटी का। हाय गाइस, तो हमारी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है वाटर की जो भी थी, और वो बहुत ही अच्छी रही उसका एक्सपीरियंस। बहुत एक्साइटमेंट था हमें और वो बहुत ही अच्छा भी रहा हमारा उसका एक्सपीरियंस। तो अभी हम जा रहे हैं हम हरिद्वार की ओर, तो आगे का ब्लॉग हरिद्वार में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। चलो चलो चलो, सबको करना है।
हरिद्वार में। तो अभी हम लोग हरिद्वार में नहाने जा रहे हैं गंगा जी में। भारत तो है, कर लेते हैं ऐसे ना, बाकी तो बाद में। हम वापस जा रहे हैं, हरिद्वार में हमारा गंगा स्नान हो गया है, निकलते वक्त हाँ हल्का सा, और अब हम जा रहे हैं वापस से क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो हमारे सामने और ये स्टार्ट हो गई मार्केट हरिद्वार की, जो कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखी थी। एक्चुअली लास्ट ब्लॉग नहीं, लास्ट से पहले वाला ब्लॉग मेरा हरिद्वार का ही था, तो उसमें ऑलरेडी मार्केट में आपको दिखा चुकी हूँ। बट अगेन मजा आया खाने का बहुत ना। सो फाइनली पूरा ट्रिप हमारा कंप्लीट होने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ बाय ट्रेन, और ट्रेन से हम लोग जल्दी घर पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। सो गाइस घर अब मैं पहुँच चुकी हूँ, और आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।